हेलो गाइस, मैं क्या सो इस वीडियो में हम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विच इज लोकेटेड इन कराड, इस कॉलेज का हम रिव्यू करेंगे। तो ये कॉलेज का आपका फीस क्या है, कोर्सेस क्या प्रोवाइड करती है ये कॉलेज, प्लेसमेंट कैसी है, कौन कौन से रिक्रूटर्स आते हैं इस कॉलेज में फॉर रिक्रूटिंग, हॉस्टल अकोमोडेशन कैसा है इस कॉलेज का, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में इन डिटेल देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइज, लेट्स स्टार्ट। सो दिस कॉलेज इज अ गवर्नमेंट कॉलेज, एज वी नो ऑटोनॉमस कॉलेज है ये। तो ऑटोनॉमस कॉलेज का मतलब ये होगा कि जो भी आपके एजुकेशन करिकुलम है, आपके एग्जाम पैटर्न है, वो कॉलेज खुद डिसाइड करेगा। तो ऐसा होता है कि नॉन ऑटोनॉमस जो कॉलेज होते हैं वो अपने होम यूनिवर्सिटी, दैट कैन बी एनी यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, नागपुर या मुंबई यूनिवर्सिटी, वो उससे एफिलिएटेड होते हैं और उन कॉलेज जो है और कॉलेज जो है उनके हिसाब से चलते हैं। दैट मीन्स कि जो भी एजुकेशन पैटर्न होंगे, एग्जाम पैटर्न होंगे, वो आपका यूनिवर्सिटी जो कि होम यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगा। बट ऑटोनॉमस कॉलेज में ऐसा नहीं होता है, जो भी आपके एग्जाम पैटर्न होंगे, एग्जाम डेट्स होंगे, वो कॉलेज खुद डिसाइड करेगा। नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है तो कोई भी रिलीजन माइनॉरिटी नहीं है इस कॉलेज में। तो आपके सीट्स जो है वो आपको कैप राउंड के बेसिस पर मिलेंगे इस कॉलेज में। एडेड कॉलेज है ये, तो एडेड कॉलेज ये होता है कि आपके जो भी एजुकेशन या डे टू डे करिकुलम के लिए जो भी फंड्स लगते हैं कॉलेज में, वो कॉलेज गवर्नमेंट से लेता है। तो इसके लिए ये गवर्नमेंट कॉलेज है, राइट? तो जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं वो मोस्टली एडेड कॉलेज होते हैं, और एडेड कॉलेज का आपका फीस जो है वो भी कम होता है। एंड लास्टली इट इज लोकेटेड इन कराड, एज वी ऑल नो। तो कोर्सेज अब हम देखते हैं क्या क्या प्रोवाइड करता है कॉलेज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो आईटी है आपका, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये सारे आपके कोर ब्रांचेस है। एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द वन विच इज रिलेटेड टू योर कंप्यूटर फील्ड। जो हमने कोर्सेज देखे अभी उसके हम कट ऑफ देख लेते हैं। तो जो भी यहाँ पर रेड कलर में कट ऑफ होगा वो 2021 का कट ऑफ होगा, और पर्पल में होगा 2020 का कट ऑफ। तो दो साल का कट ऑफ जानना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज आपको पता चलेगा कि उस कॉलेज में प्लेसमेंट जो है कोई भी पर्टिकुलर ब्रांच के लिए वो कैसा जा रहा है। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर कोई आपका ब्रांच है जिसमें कि एक सडन इंक्रीज हुआ है कट ऑफ में, तो उसका मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर ब्रांच में लास्ट ईयर प्लेसमेंट आपका अच्छा हुआ था। और अगर आपका वाइस वर्सा हो रहा है, लाइक आपका जो कट ऑफ है वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका प्लेसमेंट जो है उस पर्टिकुलर ब्रांच में इतना अच्छा नहीं हुआ रहेगा। तो यस, दिस वॉज अबाउट, सो यस, ये एक रीजन है दो साल का कट ऑफ देने के लिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका 96.6 था, और वो 96.60, लाइक 0.02 का यहाँ पर डिक्रीज देखने मिला है, विच इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अगर हम देखें तो 90.4 हो गया फ्रॉम 92.4, तो यहाँ पर 2% का हमें डिक्रीज देखने मिल रहा है। तो 2% का भी इतना कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग अगर हम देखें तो 92.5 से 88 हो चुका है, तो यस, यहाँ पर आपको जो है 4% का जो है हमें डिक्रीज देखने मिल रहा है। तो ये हुआ इसके लिए होगा क्योंकि सिविल का जो आपका सिविल इंजीनियरिंग में जो प्लेसमेंट है वो इतना अच्छा नहीं हुआ होगा एज कम्पेयर टू दिस फर्स्ट टू ब्रांचेस। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन आपका 93.4 हो गया फ्रॉम 93.2, तो ये तो आपका इंक्रीज हुआ है लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर हम देखें तो 93.7 से 89.9 है। सो यस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी अगर हम देखें तो इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, 3-4% का यहाँ पर डिक्रीज हमें देखने मिला है। बट अगर आप कोई और लाइक प्राइवेट कॉलेज का देखोगे मैकेनिकल में, तो 93 से सीधा 77, 80 या कोई कोई तो 50-60 पर भी आ जाते हैं। तो ये होता है एक सिग्निफिकेंट चेंज। और ऐसा अगर आपका चेंजेस, आप कोई भी कॉलेज का आप कट ऑफ देख रहे हो जिसमें कि ऐसा सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है, तो आपको उस पर्टिकुलर ब्रांच को अवॉइड करना है उस कॉलेज, क्योंकि प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं हुआ होता, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ टेकिंग दैट ब्रांच इन दैट कॉलेज। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, सारे कट ऑफ जो है आपके अच्छे ही है, 96.6। तो लोगों का डाउट था कि गवर्नमेंट कॉलेज में कितना कट ऑफ चाहिए, तो आप अगर 97-96 भी ला रहे हो तो आपको थोड़ा सा लाइक हो सकता है कि थोड़ा दूर मिले कॉलेज,
बट यस आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा जिसमें कि लाइक आपका फीस भी कम होगा और प्लेसमेंट भी आपको अच्छा ही मिलेगा। तो ये था आपका कट ऑफ रेंज गाइज। फीस स्ट्रक्चर अब हम देखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू 2020 एंड 2021 बैच द फीस फॉर द फर्स्ट ईयर वॉज 68,953 पर ईयर। तो इतना कम फीस गाइज अगर आप प्राइवेट कॉलेज में देखोगे तो प्राइवेट कॉलेज में तो आपको 1 लाख के नीचे कोई कॉलेज नहीं मिलेगा कि आपको जो इंजीनियरिंग डिग्री प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर आपको 68,000 है, सीओईपी का 89,000 है, वीजेटीआई का भी कुछ 90,000 है, बट यहाँ पर 68,000 है। तो सीओईपी वीजेटीआई का फीस है तो प्लेसमेंट भी आपको मिलते हैं वैसे, बट यहाँ पर अगर हम देखें तो ये काफी मिनिमल फीस है राइट। 68,953 ये काफी लाइक कम फीस है इस कॉलेज में, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट अबाउट दिस कॉलेज। सो एज पर दिस द टोटल फीस फॉर द फोर ईयर डिग्री प्रोग्राम शुड बी अप्रॉक्स 2.76 लाख। तो मुंबई में ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका कि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट 2.76 लाख वो पर ईयर आपको चार्ज करते हैं। तो आप सर्च करके देख सकते हो, काफी ऐसे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपका फोर ईयर डिग्री प्रोग्राम उनके फर्स्ट ईयर का जो फीस है उससे हो जा रहा है। तो यस ये है फीस स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉलेज। तो यहाँ पर अगर हम डिटेल देखें तो ओपन कैटेगरी में अगर आप आ रहे हो तो आपका फीस ये कुछ रहेगा। अगर आप EWS EBC स्कीम में आ रहे हो तो आपका फीस 61,000 हो जाएगा। अगर आप TFWS विच इज ट्यूशन फीस वेवर स्कीम, अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए कि कैसे आप इस पर अप्लाई कर सकते हो विच इज ट्यूशन फीस वेवर स्कीम, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बोल सकते हो, मैं जल्द ही इस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा। तो इसमें आपका फीस हो जाएगा 53,000। फॉर SC ST कैटेगरी द फीस इज 4,566। फॉर VJT N1 N2 NT3 OBC SBC उसके लिए फीस जो है आपका वो हो जाएगा 34,453। तो यस दिस वाज अबाउट फीस स्ट्रक्चर गाइस, ये है आपका फीस स्ट्रक्चर। प्लेसमेंट अब हम देखते हैं, तो प्लेसमेंट अगर हम देखें तो ये है आपका BTech का। तो 2020 में आपको जो है एवरेज पैकेज जो है आपका वो 3.5 से 4 लाख के बीच में था राइट, और 2018 में आपका 3 लाख और 19 में भी 3 लाख ही था। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो TCS कोड वाइटा पुणे, इन्होंने लाइक ब्रांचेस सब अलाउड थे लाइक ये अगर आप देखोगे ये चीज आपको थोड़ा डाउटफुल होता होगा। तो ये ब्रांचेस अलाउड का मतलब ये है कि कोई कोई कंपनीज आते हैं जो कि IT या इलेक्ट्रॉनिक्स को ही रिक्रूट करते हैं, बट यहाँ पर जहां पर भी ऑल लिखा है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ब्रांच से बच्चे जो है वो आके प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं राइट। तो ये होगा ऑल का मतलब। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 12 लाख का पैकेज मिला जो कि सिविल ब्रांच से गया है राइट, सिविल ब्रांच से गया। या दिस वॉज हाइस्ट पैकेज अगर हम देखें तो 12 LPA गया और 7 LPA दिया आपको TCS डिजिटल ने, TCS निंजा पुणे ने आपको 3.6 LPA दिया है। तो 3.8, 3.6 ये सारे में जो है आपके देख सकते हो आपकी मेजर रिक्रूटमेंट हुआ है यहाँ पर। और अगर हम देखें तो 4.5 LPA में भी लोग गए। तो यस दिस वॉज प्लेसमेंट। सीट डिस्ट्रीब्यूशन अब हम देख लेते, तो जो भी हमने कोर्सेज देखे उसमें कितने सीट्स अवेलेबल है और क्या डिस्ट्रीब्यूशन है सीट्स का वो अब हम देख लेते हैं। तो कैप सीट्स है यहाँ पर 60 एंड टोटल सीट्स है 60। तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो है आपको इंस्टीट्यूट सीट्स जो है वो देखने नहीं मिलेंगे। इंस्टीट्यूट सीट्स वो होता है कि कैप राउंड के अलावा कुछ सीट्स एलोकेट किए गए होते हैं जो कि इंस्टीट्यूट सीट्स होते हैं, और उसमें आपको अच्छा खासा डोनेशन देना पड़ता है फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू कॉलेज। बट यहाँ पर जो है आपको कोई भी इंस्टीट्यूट सीट्स अवेलेबल नहीं है। तो ये एक फायदा होता है गवर्नमेंट कॉलेज का कि आपको जो स्टूडेंट्स मिलेंगे वो आपके ही कैटेगरी के मिलेंगे, लाइक वो 95-96 परसेंटाइल वाले ही मिलेंगे आपके सराउंडिंग में जो भी आपके होंगे। बट प्राइवेट में ऐसा नहीं होता, 70 वाला भी बंदा आपके साथ होगा, जिसने MSc CT नहीं दिया वो भी आपके साथ होगा। तो ये एक होता है प्राइवेट और गवर्नमेंट में डिफरेंस। तो प्लस पॉइंट अबाउट गवर्नमेंट इज दिस। सिविल इंजीनियरिंग में 60 सीट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी है 60 सीट्स, कैप सीट्स आर 60, इलेक्ट्रिकल में भी आया आपका 60 सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी है 60 सीट्स, मैकेनिकल में भी है 60 सीट्स। तो टोटल हमने देखे 5 ब्रांचेस है 60, सो टोटल है आपके 60 × 5 विच इज 300 सीट्स इस कॉलेज में। तो यस दिस वॉज सीट डिस्ट्रीब्यूशन। इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज अब हम देख लेते हैं। तो लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड करेगा कॉलेज, हॉस्टल फैसिलिटीज है,
इसके बारे में, हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में भी हम आगे देखेंगे। जिम आपको प्रोवाइड करेगा एक कॉलेज, हॉस्टल एंड मेडिकल फैसिलिटीज, वाईफाई कैंपस एंड ऑब्वियसली मेस विच इज योर कैंटीन, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखते हैं क्या क्या है आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज यहाँ पर। बास्केटबॉल कोर्ट है, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट एंड हॉकी ग्राउंड। तो ये सारे हैं आपके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। लैब्स फैसिलिटीज अब हम देखते हैं, सिविल इंजीनियरिंग लैब, केमिस्ट्री लैब, कंप्यूटर लैब, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, फिजिक्स, एनवायरमेंट लैब, माइक्रो प्रोसेसर लैब, सॉफ्टवेयर लैब, ग्राफिक नेटवर्क लैब, प्रोग्रामिंग लैब। तो ये सारे जो है आपके नेटवर्क लैब, माइक्रो प्रोसेसर लैब, तो ये सारे जो है कंप्यूटर लैब, ये आपको आईटी वाले जो है बच्चे उनके लिए हेल्पफुल होगा, राइट। नेटवर्किंग लैब जो कि आपको थर्ड ईयर में आएगा, माइक्रो प्रोसेसर जो कि आपके सेकेंड ईयर में होगा, तो ये लैब फैसिलिटीज विच इज वेरी गुड इन दिस कॉलेज। हॉस्टल इन्फॉर्मेशन अब हम देख लेते हैं। तो बॉयज है यहाँ पर टोटल, तो बॉयज के लिए जो टोटल हॉस्टल है यहाँ पर 440 है यहाँ पर अवेलेबल, गर्ल्स के लिए 220। बॉयज फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पर टोटल 120 स्टूडेंट कैन एक्सेस द हॉस्टल एंड गर्ल्स इन फर्स्ट ईयर कैन एक्सेस 75 सीट्स। तो ये तो आपका हॉस्टल। अब आपको डाउट होगा क्या फीस होगा क्या नहीं होगा, तो आप जब कॉलेज में एडमिशन लोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। बट अगर मैं राउंड ऑफ बोलूँ तो 20,000 to 30,000 पर सेमेस्टर होता है हॉस्टल का फीस। एंड दिस आर द फोटोज ऑफ द कॉलेज गाइस। ये है आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कराड, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड दिस इज आवर कॉलेज लुक्स। एंड यस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस कॉलेज गाइस। कंक्लूजन अगर मैं बात करूँ, देयर इज नथिंग टू कंक्लूड। अगर आप 95 to 97 के बीच में ला रहे हो, तो बच्चों का होता है कि जो 95 to 97 या 98 तक लाते वो अटक जाते, क्योंकि अच्छे कॉलेज जो होते हैं, जो अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनका कट ऑफ 99 प्लस होता है। और लाइक अगर 95 to 97 अगर आप देखोगे तो मैकेनिकल ये सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, बट जिन्हें कंप्यूटर करना होता है वो अटक जाते हैं, लाइक उन्हें कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलता। बट दिस कॉलेज इज वेरी गुड क्योंकि इसका कट ऑफ रेंज भी 96 के रेंज में ही है। तो अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना है या लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच इज सेम थिंग, अगर आपको वो करना है तो आप इस कॉलेज से कर सकते हो, राइट। गवर्नमेंट कॉलेज है तो अच्छा ही होगा आपके लिए। दिस कॉलेज इज वेरी गुड। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। टिल देन बी सेफ एंड